मुक्ति का विचार। विवेक बुद्धि प्राप्त होने से पुरुष अपने स्वरूप को पहचान लेता है और अपने को निर्लिप्त तथा निसंग समझने लगता है। प्रकृति की सृष्टि के उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर प्रकृति विरत हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों तथा पूर्व जन्मों के संस्कारों के विद्यमान रहने के कारण उसी समय शरीर का पतन नहीं होता। भोग के पूर्ति होने पर ही संस्कारों का भी नाश हो जाता है, तब शरीर का पतन तथा विदेह कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब तक संस्कार है तब तक जीवन मुक्त की अवस्था में जीव रहता है।